गाइज वेलकम ऑन एडुटेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों आपके अपने चैनल एडुटेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, हमारे डायरेक्टर मिस सर को गॉल स्टोन की शिकायत है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारा सारा सिस्टम जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा था इसी कारण। आज हम पढ़ेंगे UPSC इंग्लिश पार्ट 4 2021 सी सेट का जो है ये पेपर है, UPSC प्री एग्जामिनेशन 2021 जनरल साइंस 2 इंग्लिश पार्ट 4 ये पढ़ेंगे। हम तीन वीडियो पहले आ चुकी हैं इसकी, वो देख लेना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको पैसेज सॉल्यूशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 4 आइटम्स, ये नीचे 4 आइटम है हमारे, दो दो करके ये दो जगह क्वेश्चन आए। अब पैसेज 1 को सॉल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी अ जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग, बट इफ दे आर टू बी अ जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन देयर इज नो सच थिंग एज अ रिलीजन दैट इज राइट, एंड देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ये हम इसका एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। निम्नलिखित 4 मदों के लिए निर्देश, निम्नलिखित 4 परिच्छेदों को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन मदों के लिए आपके उत्तर केवल परिच्छेदों पर आधारित होनी चाहिए, यानी अपनी कोई चीज नहीं इसमें इंसर्ट करनी है, जो पैसेज में जिक्र आया उसी के बारे में आंसर दें। धर्म के संप्रदायों के संबंध में यदि सभी को अपने धर्म का न्यायाधीश होने के लिए छोड़ दिया जाए, न्यायाधीश होने यानी अपने धर्म का न्यायाधीश होने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कहेंगे कि कोई भी चीज गलत नहीं, लेकिन अगर उन्हें एक दूसरे के धर्म का न्याय करना है तो धर्म जैसी कोई चीज सही नहीं है, ये कहेंगे। और इसलिए धर्म के मामले में सारी दुनिया या तो सही है या सारी दुनिया गलत है। अब सबसे तार्किक धारणा क्या है जो ऊपर दिए गए मार्ग से की जा सकती है, अब इसका हमें आंसर बताना। व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबो, नो मैन कैन लाइव विदाउट अडहियरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये इसका आंसर जो ना क्वेश्चन ए है, क्योंकि बी में दिया हुआ इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन डिनोमिनेशन, ये नहीं है इसका। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, इसका कहीं जिक्र नहीं आया है। और मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजन डिनोमिनेशन, इसका भी जिक्र नहीं आया, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए। ये हिंदी में था, हमने ट्रांसलेशन किया था। और अब पैसेज नंबर 2, इट इज सर्टेन दैट सेडिशंस वार्स एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ द लॉज आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स एज टू द बैड स्टेट ऑफ ए डोमिनियन, फॉर मेन आर नॉट बोर्न फिट फॉर सिटीजनशिप बट मस्ट बी मेड ए सो, बिसाइड्स मेन नेचुरल पेशेंस आर एवरीवेयर द सेम एंड इफ wickedness more prevails and more offenses are committed in one commonwealth than in another, यानी commonwealth देश हैं उनके बारे में यहाँ पे जिक्र है। It is certain that the former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought and that therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं एक बार। ये निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और अवमानना या कानूनों का उल्लंघन प्रजा की दुष्टता के लिए इतना अधिक नहीं है जितना कि एक प्रभुत्व की खराब स्थिति के लिए। पुरुष नागरिकता के लिए पैदा नहीं हुआ है लेकिन उन्हें ऐसा ही बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पुरुषों के प्राकृतिक जुनून हर जगह समान होते हैं और यदि दुष्टता अधिक प्रबल होती है और एक राष्ट्रमंडल में दूसरे की तुलना में अधिक अपराध किए जाते हैं तो निश्चित है कि
पूर्व ने न तो पर्याप्त रूप से एकता कांत किया है और न ही अपने कानूनों को पर्याप्त रूप विचार के साथ तैयार किया है, इसलिए यह एक राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकारों को काफी अच्छा बनाने में विफल रहा है। अब इसका अंतर देखें। नीचे among the following is most logical, यानी most logical बताना इस पैराग्राफ पर बेस एंड रेशनल इंफरेंस यानी पैराग्राफ से क्या तर्क निकलता है। That can be made from the passages given. Seditions, wars, and breach of the laws are inevitable in every dominion. इसका यही आंसर है। इसी के ऊपर ये सारा पैराग्राफ फोकस था। It is not the people but the sovereign who is responsible for. ये इसके बारे में जिक्र नहीं आया। That domination is the best which pursues the aim of unity as laws for good citizens. सिटीजनशिप फोकस नहीं था इस पर। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश ए गुड डोमिनियन, ये भी नहीं शूट करता। इसलिए मोस्ट जो लॉजिकल रेशनल इंफरेंस जो है ये निकलता है, ये इज द राइट आंसर। ये हिंदी में हमने पढ़ लिया था ट्रांसलेशन। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है और आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। वीडियो आपको अच्छे लगे तो भाई लाइक जरूर किया और कमेंट्स डाला करो। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या आपका कोई डाउट हो तो हम उसको। क्वेश्चन नंबर 3, इनइक्वलिटी वायलेट्स ए बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप। इक्वलिटी इज ए रिलेशन दैट ऑब्टेन्स बिटवीन पर्संस इन रिस्पेक्ट ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दे दैट दे शेयर इन कॉमन। इक्वलिटी इज मोरली स्पीकिंग ए डिफॉल्ट प्रिंसिपल। Therefore, persons should not be discriminated on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability, or class. These features of human conditions are morally irrelevant. The idea that one should treat person with respect not only because of some of these persons possess some special feature or talent. For example, cricketers, gifted musicians or literary giants, but because persons are human beings is by now part of common sense morality. यानी इसका जो main crux है ये है कि उसके status को, इंसान के status को देख के respect नहीं करना चाहिए बल्कि सभी का respect करना। इसकी हिंदी में translation देख लेते हैं एक बार। ऐसे 3, ऐसे मानता एक बुनियादी लोकतांत्रिक मानदंड का उल्लंघन करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में सभी समान है, नागरिकों की समान स्थिति का। समानता एक ऐसा संबंध है जो व्यक्तियों के बीच कुछ मूलभूत विशेषताओं के संबंध में प्राप्त होता है जो वे साझा करते हैं। समानता नैतिक रूप से बोलना एक डिफॉल्ट सिद्धांत है, इसलिए व्यक्तियों के साथ जाति लिंग जातिता जैसे आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। विकलांगता या वर्ग के आधार पर, जाति विकलांगता या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानवीय स्थिति की विशेषताएं नैतिक रूप से अप्रासंगिक हैं, ये विचार के लिए किसी व्यक्तियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, न केवल इसलिए कि इनमें कुछ व्यक्तियों के पास कुछ विशेषताएं या प्रतिभा है। उदाहरण के लिए कुशल क्रिकेटर्स, प्रतिभाशाली संगीतकार या साहित्यिक दिग्गज, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति इंसान है और सभी इंसान बराबर। अब सामान्य ज्ञान नैतिकता का हिस्सा है। अब इसका जो है आंसर देखते हैं। इट रिफरेंस टू द अबव पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, यानी इनमें से कौन सी जो बेस्ट एजम्पशन है, और फिर ये आपने ऑप्शन बतानी है 1, 2, 3 या जो भी इसमें दिया हुआ। नंबर 1, इक्वलिटी इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल to participate in the multiple transactions of society from a position of a confidence. Occurrence of inequality is detrimental to the survival of democracy. Equal standing of all citizens is an idea that control actually be realized even in a democracy. Right to equality should be incorporated into our values and day-to-day
पॉलिटिकल वोकेबलरी। अब यहाँ आपने बताना है, ये जो है ना यहाँ पे ये तीन नंबर और एक दो, ये तीन नंबर है और ये फोर है, क्योंकि आप फोर तक ऑप्शन दी हुई, तो इसकी राइट ऑप्शन है थ्री एंड फोर। थ्री में कह रहा है इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजंस इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड एवन इन ए डेमोक्रेसी। बिल्कुल इसका जो एजम्पशन सही है ये, राइट टू इक्वलिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है डी। ये हिंदी में हमने पढ़ लिया था और अब पैसेज फोर है, आज के सेशन का लास्ट पैसेज है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम जो है आपको रिप्लाई दे देंगे। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट जो है ना ये पैसेज हैं, एक्चुअली में ये लॉ से भी रिलेटेड है और यूपीएससी और एससीएस के एग्जाम होते हैं उससे भी रिलेटेड है। पैसेज नंबर फोर, अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रिनाउंस इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड। ओलिगार्की गवर्नमेंट रिनाउंस इटसेल्फ बाय द इन कॉसंस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ बट एवन डेमोक्रेसी रिनाउंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू होल्ड ऑफिस एंड डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी। दिस इज एट फर्स्ट ग्लांस ए डिलाइटफुल अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। इट बिकम्स डिसेस्ट्रस बिकॉज द पीपल आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड बाई एजुकेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट रूलर्स एंड वाइजेस्ट कोर्सेज। द पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली रिपीट विद देयर रूलर्स आर प्लीज टू टेल देम सच ए डेमोक्रेसी इज टायरनी और ऑटोक्रेसी। ये प्लेटो ने कहा, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। अब इसका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं। अभी जात वर्ग की सरकार बहुत संकीर्ण दायरे को सीमित करके खुद को बर्बाद कर लेती है जिसके भीतर सत्ता सीमित होती है, यानी कुछ ही लोगों के पास जो है ना ये सत्ता होती है। तत्काल धन के लिए असावधानी वश हाथापाई से कुलीन सरकार खुद को बर्बाद कर लेती है, लेकिन लोकतंत्र भी लोकतंत्र की अधिकता से खुद को बर्बाद कर लेता है, यानी ज्यादा लोकतंत्र भी नहीं होना चाहिए। इसका मूल सिद्धांत सभी को पद धारणा करने और सार्वजनिक नीति निर्धारित करने का समान अधिकार है। यह पहली नजर में एक रमणीय व्यवस्था है, यह विनाशकारी हो जाता है क्योंकि लोग सबसे अच्छे शासकों और सबसे बुद्धिमान पाठ्यक्रमों का चयन करने के लिए शिक्षा से ठीक से सुसज्जित नहीं होते। लोगों को कोई समझ नहीं और केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासकों ने बताने में प्रसन्न होते हैं। ऐसा लोकतंत्र अत्याचार या निरंकुशता है। प्लेटो, अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन अबव, यानी इस पैसेज का क्रक्स क्या है। ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है। Any form of government tends to deteriorate by excess of its principle, ये भी नहीं है। Education of all citizens ensures a perfect, functional and sustainable democracy, ये इसकी right option है। ये बिल्कुल पैरे को represent कर रहा है। Having a government is a necessary evil because tyranny is inherent in any of the government, ये जो है ना सही नहीं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के पैराग्राफ आते हैं, आप इंग्लिश का पेपर पढ़िए, हिंदी का पेपर पढ़िए और संपादकीय है उसमें से पढ़िए, और कोई नई खोज वगैरह कुछ आता है तो उसको पढ़िए। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया है। वीडियो को देखने वाले लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।